आप पर इल्जाम है कि आप नून लीग की तरफदारी करते हैं, क्या आप नून लीग से लिफाफा लेते हैं? इल्जाम तो कोई भी लग सकता है। लोग मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैं आपके जैसे बोलती हूँ, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं आपके जैसे बोलती हूँ? बेटा आप मेरे से बेहतर बोलती हैं। आप हर इंटरव्यू में दूसरों की इनकम पूछते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आप महाना कितने पैसे कमा लेते हैं? बेटा मेरी इनकम काफी अच्छी है, मैं छुपाता नहीं हूँ। आप हर एक से उनके मुआशकों के बारे में पूछते हैं, इस सवाल के जरिए आप उनके शख्सियत के बारे में क्या अख़्ज़ करना चाहते हैं? शख्सियत की वो तहें खोलना चाहता हूँ जो आमतौर पर छुपी होती हैं। कुछ दिनों पहले आपकी एक किताब आई, फिर आपने उसका टाइटल चेंज कर दिया, क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो गया या फिर आपने दबाव में आकर मजबूरन ऐसा किया? बाज़ुकात मैं अपने वालिद की पसंद के पदे नजर भी चीजें तब्दील कर देता था। आपको इमरान खान की नियत पर शक है या फिर उनकी सलाहियत पर? मुझे उनकी सलाहियत पर शक। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ महरोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी सुहेल वड़ाईचंकल, जिनका इंटरव्यू करने के लिए आप बहुत अरसे से फरमाइश कर रहे थे और यकीनन मेरी ख्वाहिश भी थी। शुक्रिया अंकल, आपने मुझे वक्त दिया। बहुत मेहरबानी बेटा। सुहेल वड़ाईचंकल से इंटरव्यू की ख्वाहिश मेरे दिल में तब पैदा हुई जब आप लोग मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कहते थे कि मेरा बोलने का अंदाज बिल्कुल सुहेल वड़ाई जैसा है। ये कमेंट मुझे तकरीबन हर वीडियो पे मिलता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि महरोश खान सुहेल वड़ाई का फीमेल वर्जन है। तो आइए इसी सवाल से इंटरव्यू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैं आपके जैसे बोलती हूँ, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं आपकी जैसे बोलती हूँ? बेटा आप मेरे से बेहतर बोलती हैं। अच्छा, आपका एक जुमला फेमस हुआ, क्या ये खुला तजाद नहीं? तो कॉमेडियंस ने भी इसे अपनी कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया, क्या आपको अच्छा लगता है या बुरा? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपकी कोई चीज़ फैले, आपकी किसी चीज़ को लोग पसंद करके इस्तेमाल करें, अच्छा लगता है। आप हर इंटरव्यू में दूसरों की इनकम पूछते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आप महाना कितने पैसे कमा लेते हैं? बेटा मेरी इनकम काफ़ी अच्छी है, मैं छुपाता नहीं हूँ। मेरी सारी इनकम टैक्स मैं हर साल रिटर्न जमा कराता हूँ, और लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मेरे जो घर के खर्चे हैं या मेरी जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं उनसे पूरी हो जाती हैं। लाखों में है, लेकिन एग्जैक्ट बताना जो है वो मुनासिब नहीं है। असद कैसर हों या फिर साहिर अली बग्गा, आप हर एक से उनके मुआशकों के बारे में पूछते हैं। हुस्न का आपके नज़दीक क्या मेयार है? कैसी आंखें हों, कैसा चेहरा हो, कैसा उसका रंग हो, इंसानी हुस्न में आपको क्या अच्छा लगता है? बाल, होंठ, नाक, आँखें, किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं? मुश्किल सवाल किया आपने वैसे। इस सवाल के जरिए आप उनके शख्सियत के बारे में क्या अख़्ज़ करना चाहते हैं? बेटा बात यह है कि इंटरव्यू हो वो होना चाहिए जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। मैं आम तौर पर वो सवाल करता हूँ बेटे कि जो दूसरे नहीं करते, और मैं आम तौर पर शख्सियत की वो तहें खोलना चाहता हूँ जो आम तौर पर छुपी होती हैं। तो इसलिए इस तरह के सवाल किए जाते हैं। हर शख्स ने कोई ना कोई मोहब्बत की होती है, हर शख्स की आमदन होती है, हर शख्स के खामियां होती हैं। तो मैं खामियां, खूबियां, खुशियां, गमियां, आमदनी, खर्च, ये वो सवाल करता हूँ जो आम तौर पर जो ज़िंदगी के लिए बड़े अहम है, लेकिन लोग सवाल नहीं करते। दुनिया न्यूज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने उसे क्यों छोड़ दिया? बेटा मैं शुरू से ना जंग के साथ और जियो के साथ वाबस्ता हूँ, तो मैं 6 महीने के लिए दुनिया में गया था। सच्ची बात यह है कि वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, तो क्योंकि यहाँ सारी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है, तो इसलिए दोबारा वापस आ गया अपने घर में। कुछ दिनों पहले आपकी एक किताब आई, फिर आपने उसका टाइटल चेंज कर दिया, क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो गया या फिर आपने दबाव में आकर मजबूरन ऐसा किया? बेटे बात ये होती है कि सोसाइटी जो है ना, इसमें हम सोशल एनिमल हैं, यानी मैं सोसाइटी के अंदर अगर करना है तो बाज़ औक़ात मैं अपने वालिद की पसंद के पदे नज़र भी चीज़ें तब्दील कर देता था। बाज़ औक़ात मेरे वालिद कहते थे ये हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, तो मैं कई दफ़ा ज़िद करता था, कई दफ़ा मान जाता था,
अपनी बीवी, जब आपकी शादी होती है तो अपनी बीवी की कुछ हाथों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसी तरह किताब है कि आपको अगर उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है या किसी तबके की तरफ से दबाव आ रहा है तो फिर आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ताकि बजाय किसी को तकलीफ़ दिए, दुख दिए किसी, तो अगर रास्ता निकल सकता है तो वो निकालना चाहिए। क्या आप सहाफ़त में किसी का दबाव कबूल करते हैं? सहाफ़त में आमतौर पर हम दबाव कबूल नहीं करते, लेकिन किसी को दुख भी नहीं देना चाहते। किसी को हम दुख देने से भी, अगर किसी को ना दानिस्ता तौर पर दुख मिल जाए और ये एहसास हो कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पर इल्ज़ाम है कि आप नून लीग की तरफदारी करते हैं, क्या आप नून लीग से लिफाफा लेते हैं? बेटा देखो, इल्ज़ाम तो कोई भी लग सकता है। जब नून लीग की हुकूमत थी तो मैं उन 10-15 सहाफ़ियों में शामिल था जिनको ये कहा गया था कि इनको अखबार से निकाल दें, और उस ज़माने में मेरे पे मुकदमात बने, मेरे ख़िलाफ़ ये हुआ। तो हर हुकूमत ही हमें कहती है वो फलां के हामी है, फलां के हामी है। किसी दौर में भी हम कोई अच्छा हमारे साथ सलूक नहीं हुआ, तो नून के दौर में भी कोई अच्छी यादें नहीं हैं कि नून ने कोई हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। जब ये मियां नवाज़ शरीफ की तीसरी दौरे हुकूमत था तो उसमें मैंने उनके जाने पर लिखा था द पार्टी इज़ ओवर, तो एग्जैक्टली फिर वैसे ही उनकी हुकूमत चली गई थी। और जब ये मैंने कॉलम लिखा था तो वो कोई खुश नहीं हुए थे, वो नाराज़ हुए थे। आपको इमरान खान की नीयत पर शक है या फिर उनकी सलाहियत पर? मुझे उनकी सलाहियत पर शक है। आप मुझे क्या नसीहत देना चाहेंगे? बेटा आप माशाल्लाह बड़ी मेहनती हैं, माशाल्लाह आपका चैनल भी, आपके क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं, मेहनत भी करती हैं आप, तो इसी तरह मेहनत करते रहें। ज़िंदगी, जो लोग मेहनत करते हैं वो ज़रूर तरक्की करते हैं, और फिर कुदरत भी उनका हाथ पकड़ लेती है। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सुहेल बड़ाइच का मिजाज वैसा ही धीमा है जैसे उनका लहजा, वो तबीयतन वैसे ही शफीक हैं जैसे देखने में लगते हैं। मुझे और आपको उनकी सियासी सोच से इख्तलाफ हो सकता है, जो कि है भी, लेकिन बतौर शख्सियत वो मुझे एक नफीस इंसान मालूम हुए। सुहेल बड़ाइच पाकिस्तान के उन सहाफियों में से हैं जिन्होंने इंटरव्यूज के जरिए सहाफत में अपनी पहचान बनाई। पहले वो अखबार और मैगजीन के लिए काम करते थे, फिर यही काम उन्होंने टेलीविजन के लिए किया। इसके बाद उनकी इंटरव्यूज पर मबनी कई किताबें भी शाये हुई। गद्दार कौन उन्हीं में से एक किताब है जो नवाज शरीफ के तवील इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। सुहेल बड़ाइच के मुनफरिद सवाल और मुनफरिद लहजे ने उन्हें पाकिस्तान का एक मशहूर सहाफी बना दिया। मुझे उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।